विधवा पेंशन के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख लाभार्थियों ने विधवा पेंशन में फर्जी आधार नंबर इस्तेमाल किया है। साथ ही 15,000 पेंशनधारियों के बैंक खातों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वहीं इस घोटाले की जानकारी मिलते ही योगी सरकार ने इसकी जाँच डीपीओ को सौंप दी है। डीपीओ जिला स्तर पर हर लाभार्थी की जाँच करने के बाद रिपोर्ट देगा, जिसके बाद ही विधवा पेंशन रिलीज की जाएगी। तब तक सभी संदिग्ध खाताधारकों को ब्लॉक कर दिया गया है। इससे पहले सॉफ्टवेयर की जांच में पता चला है कि इसमें लाखों लोगों ने फर्जीवाड़ा कर रखा है। जो 500 रुपए की पेंशन विधवा पेंशन के तौर पर दी जाती थी, उन्हीं के खातों में अन्य पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। ये जाँच पेंशन के लिए जमा किए गए बिलों के आधार पर की गई है, जिसमे पाया गया कि लाभार्थी सरकार से पेंशन के पैसे ले रहे थे। इनमें कई ऐसे भी थे जिनके आधार नंबर ही गलत थे और कई तो जीवित भी नहीं थे। बता दें कि यूपी सरकार विधवाओं को पेंशन की स्कीम देती है, जिसके तहत 17.5 लाख महिलाओं की मदद की जाती है। हाल ही में सरकार ने सभी पेंशनधारियों से अपने खाते को आधार कार्ड से जोड़ने का आदेश दिया था। इसके लिए सॉफ्टवेयर में नजर रखी जा रही थी। गौरतलब है कि इन सभी लाभार्थियों को महिला कल्याण विभाग हर महीने 500 रुपए की पेंशन देती थी, जिसे एक साथ 3 महीने का भुगतान किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।